हेलो एंड वेलकम्स एम स्पोकन क्लासेस। अगर आपको इंटरमीडिएट हाई स्कूल या किसी भी कंपटीशन एग्जाम से जुड़ी तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश अगर आपके लिए सबसे टफ सब्जेक्ट है तो आज से वो चैप्टर आपका सबसे इजी हो जाएगा अगर आपने एम स्पोकन क्लासेस को ज्वाइन किया। तो अभी तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि जब वीडियो देख लीजिए आप, अगर पसंद आती है तो आगे बढ़ेंगे। तो नरेशन में रूल्स ऑफ असर्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम उसका पार्ट टू देखेंगे, रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्यों का नियम। अगर प्रश्नवाचक वाक्य इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आते हैं, तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे आज हम सीखेंगे। तो अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच जो ये होती ना, ये डू यू नो हिम, और यह आ जाता है कि रवि सेड डू यू नो हिम। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक है, अगर प्रश्नवाचक है, नंबर वन रूल होगा तो सेड दिया हो या सेड टू दिया हो, सेड दिया हो या सेड टू दिया हो, उसको हम आस्केड में बदल देंगे। क्या रूल हमारा? अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का वाक्य प्रश्नवाचक हो, इंट्रोगेटिव हो, तो हम सेड या सेड टू को आस्क में बदल देंगे, आस्क में बदल देंगे। पॉइंट नंबर टू इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। और पिछले वीडियो मैंने ये बताया आपको कि वाक्य पांच होते हैं और पांचों की पहचान भी बहुत क्लियर बताई, अगर अभी आप नहीं देखे हैं तो आप जाके उसे देख सकते हैं। और ये देखें कि प्रश्नवाचक दो तरह के होते हैं, एक होता है जो अमूमन यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाती है या बिहार बोर्ड में भी यह पढ़ाया जाता है कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे अंग्रेजी के प्रश्नवाचक वाक्य जिनकी बिगनिंग, जिनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, उसे हम एस एंड नो टाइप भी कहते हैं। एस एंड नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हम हाँ या ना में देते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर वन, यानी फर्स्ट टाइप या एस एंड नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब शुरू होते हैं, डू, डज, डिड, वाज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, इन सबसे शुरू होता है। तो ये फर्स्ट टाइप कहलाते हैं या ऐसे नो टाइप कहलाते हैं। तो रूल नंबर वन, अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब जैसे यहां दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो क्या रूल्स है? ये तो क्लियर हो गया कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन वर्ड में है, प्रश्नवाचक है, तो हम सेड या सेड टू को आस्क कर देंगे, क्लियर। और कभी कभी एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑलरेडी आस्क दिया रहता है, ऑलरेडी वो आस्क दिया रहता है, तो यानी कि आस्क दिया है तो हम उसको सेट कर देंगे, जी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर सेट दिया है तो आस्क, सेट टू दिया तो आस्क, या आस्क दिया तो आस्क भी रखेंगे। अब ये सेंटेंस मेरे सामने है, अब जरा थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। इसमें आप जाते हैं रवि सेट टू मी, रवि ने मुझसे पूछा, यहां कहा डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। तो अब हम ये चीज देखेंगे कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच, अभी मैं बहुत छोटे छोटे वाक्य का बहुत इजी एग्जांपल लिख रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। जब कॉन्सेप्ट समझ आएगी तो इसमें हम एक एक करके इसे बहुत लंबे लंबे सेंटेंस के साथ आते हैं। एक ही रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस भी आएगा, इंपरेटिव भी आएगा, एक्सक्लेमेटरी भी आ जाएगी, वो हम देखेंगे बिल्कुल इजी। यहां देखें, रवि सेड टू मी डू यू नो, अब ये क्वेश्चन मार्क देखकर ही, ये सेंटेंस को देखकर ही हम अनुमान लगाएंगे कि तो प्रश्नवाचक है। तो एक चीज कॉन्सेप्ट शुरू होगा, अगर इसको हल करते हैं हम, तो रवि आस्क मी हो जाएगा, क्लियर, ओके। अब सवाल उठेगा कि क्या कॉमास और यूनिट कॉमास के स्थान पे, इस प्लेस पे कंजक्शन में क्या लगाएंगे? इससे पहले असर्टिव सेंटेंस आ रहा तो हम क्या लगा रहे थे? दैट लगा रहे थे। अब क्या लगाएंगे? अब ये देखेंगे कि अगर इसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, अगर ये प्रश्नवाचक शब्द की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, या यू कह कि ये फर्स्ट टाइप हो, तो यहां कंजक्शन के रूप में हम या तो इफ लगाते हैं या हम वेदर, इफ या वेदर दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, इफ या वेदर दोनों अलाउड है, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, इफ या वेदर, क्लियर हो रही है। इफ या वेदर इसलिए यहां लगाया गया क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर ये भी नहीं याद हो तो ये याद करना चाहिए कि प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत जो है ना सहायक क्रिया डू, डज, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, क्लियर, ओके। अच्छा, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, ओके, आस्क समझ आई, इफ या वेदर लगाएंगे,
अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है ना, वो देखना होगा इंपॉर्टेंट कि चाहे इनवर्टेड कामास के अंदर या इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, इसके अंदर जिस तरह का भी वाक्य दिया हो, ये रूल सब नरेशन में फॉलो होगा, जिस तरह का भी वाक्य दिया हो, लेकिन जब उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, जब उसको इनडायरेक्ट बदलेंगे, तो याद रखिएगा हमेशा वो असर्टिव कर देंगे, हम उसको हमेशा क्या करेंगे, असर्टिव में चेंज कर देंगे। अब यहां चेंज होगा, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप टेंस कौन सा है, डू यू नो हिम, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। अब इसमें ये पता करना है कि यहां जो यू सेकंड पर्सन है वो किसके लिए आया है, किसके लिए आया है। अब देखिए यू मतलब जो बात को सुन रहा है, यू मतलब क्या होता है, जो बात को सुन रहा था, मैं बताया था आपसे ये सेकंड पर्सन है, और यहां बताया था मैंने कि पहला करता और दूसरा, ऐसे अमूमन मैं बताया था आपको एक फार्मूला, ट्रिक है, आप रूल बनाकर ट्रिक पे जाइए, यहाँ एक हो गया यहाँ दो हो गया, तो कौन सा वेरीफाई कर रहा है जी, दो और दो से मिल रहा है, यानी यू मी के लिए आया, मी फर्स्ट पर्सन है और ये सब्जेक्टिव केस है, यू भी सब्जेक्टिव केस में जाएगा, यानी मी यू बराबर आई। अगर आप मैथ उल्टे सकते हैं तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, मी यू बराबर आई, अगर यहाँ मी दिया और इसमें यू दिया हो तो यू क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी, क्लियर। अच्छा प्रेजेंट इन्फिनिटिव चेंज इनटू पास्ट इन्फिनिटिव बताया गया था ये, तो अब ये पास्ट में करेंगे तो यू का आई हो गया, और ये हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं तो क्रिया का सेकंड फॉर्म करते हैं, तो आप नो का कर लोगे न्यू, और ये हाँ पूछेंगे ना सर ये क्या है, इसमें ये थर्ड पर्सन है, ये ऑलरेडी थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग, ये फार्मूला भी आपको किताबों में दिया जाता है, अमूमन टीचर लोग पढ़ाते हैं, सन बटा 123, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होती है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट होती है, और ये थर्ड पर्सन नाउन भी हो सकता है और नो चेंजिंग भी होती है, नाउन भी हो सकता है और नो चेंजिंग, नाउन भी नो चेंजिंग होती है और थर्ड पर्सन तो नो चेंजिंग, तो हिम तो थर्ड पर्सन है तो नो चेंजिंग। ऐसे रवि आस्क्ड मी इफ या वेदर आई नो हिम, क्लियर हो रहा है। एक और सेंटेंस उठाते हैं, उसके बाद हम अगले स्टेप पढ़ेंगे, जी बिल्कुल, और ये याद रखिएगा कि अगर वो फर्स्ट टाइप ही है या से नो टाइप है तो कंजक्शन की बात है, कंजक्शन हमारा या तो इफ या तो वेदर, और उसके बाद का जो रूल्स है कि वाक्य को बनाना होगा असर्टिव रूल के हिसाब से, अगर वो प्रेजेंट इन्फिनिट है तो पास्ट इन्फिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाती है, क्लियर। और सेकंड टाइप उठा के देखते हैं, सेकंड टाइप में क्या होता है, अगर यहां आ गया द टीचर सेड टू मी Why did you not join the class yesterday? एक चीज क्लियर करेंगे कि इनवर्टेड कॉमास के अंदर या रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक है तो सेड या सेड टू को क्या बदल रहे थे, हम आस्केड बदल रहे थे, क्लियर है, ओके। लेकिन यह क्या फर्स्ट टाइप है, जी नहीं, ये सेकेंड टाइप है। सेकेंड टाइप की पहचान क्या है कि सेंटेंस सबसे पहले जो आता है हमारा वो आपका क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हाई, वेयर, विच, हुज, हुम, इनसे ही वाक्य शुरू होते हैं, तो ये क्वेश्चन वर्ड यहाँ आ गया है, तो ये प्रोसेस तो बिल्कुल सही है, प्रश्नवाचक है तो ये कर लेंगे हम, द टीचर आस्क मी, मैं लिख रहा हूं यहां पर देखिएगा, द टीचर आस्क्ड मी, क्लियर हुआ। अब यहां जब सेकंड टाइप हो गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो यहां हम इफ या वेदर बिल्कुल नहीं लगाएंगे, इफ या वेदर हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, और यहां पे जो क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा वही कंजक्शन का काम करेगा, यानी वाई दिया है तो वाई को एज इट इज जैसे लिखा है वैसे उतार लेंगे, और फिर वही प्रोसेस, फर्स्ट टाइप वाला प्रोसेस है, यू मी यू बराबर आई, ठीक है जी, और यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इंटू पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो बचा दो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंजिंग, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो यहां आई हो जाएगा और डिड बदल जाएगा हैड में, आई हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ज्वाइन द क्लास स्टडी, ये मैंने बताया था कि इसे नाउ का देन होता कम का गो हो जाता है, इस स्टडी बदल जाएगा द प्रीवियस डे,
क्लियर। फिर से देखेंगे थोड़ा सा कि अगर इनवर्टेड कॉमास के अंदर का वाक रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक होगा तो सेट से टू को आस्क कर देंगे। अगर वह सेकेंड टाइप है, अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो उसी क्वेश्चन वर्ड को हम यूज करेंगे एज ए कंजक्शन, एज ए कंजक्शन यूज करेंगे। और जब कैसे यूज करेंगे, और उसके बाद वाक्य को बदल देंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स, जिस रूल से बदला जा रहा है। याद रहे कि उसके बाद वाक्य को हमें बनाना है, असर्टिव सेंटेंस बनाना है और रूल के हिसाब से बनाना है। तो रूल्स में मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज टू पास्ट में, यानी टोटल प्रेजेंट का पास्ट बदल जाएगा। और अगर पास्ट है तो कैसे होगा, यह मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर पास्ट के सेंटेंस आ रहे हैं जैसे इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इंडेफिनिट चला जाएगा परफेक्ट में, अर्थात क्रिया की सेकेंड फॉर्म आ रही है या डिड प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो यह बदल के हो जाएगी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हेड आ जाएगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। और यह हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है वाज या वर, और ये वाज वर चेंज हो जाएंगी हैड बीन में, और दोनों ही टेंसेस में हम देखते हैं कि आई एनजी लगती है मेन वर्ब में, आई एनजी फॉर्म लगता है तो आई एनजी फॉर्म सेम रहेगा। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल। अब ये दोनों हम देखें, ये और ये, इन दोनों में इनके जो टेंस होंगे उसमें नो चेंज, बाकी हम जो नंबर पर्सन जेंडर दिया जाएगा वो बदलेंगे, लेकिन इसके टेंस में नो चेंजिंग होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट परिवर्तन होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, अमूमन उस शब्द को भूल जाते हैं, और खासकर यूपीएससी एग्जाम या एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इरर होता है सेंटेंसेस में, और कहा जाता है कि भाई इसको चेक करो आप, तो होता क्या, जैसे टुडे है तो ये हम बदल देते हैं दैट डे में, इसी प्रकार टुनाइट दैट नाइट, ठीक है। इसी तरह से हियर देयर में, क्लियर हो रहा है, नाउ का देन में, नाउ का देन में, दीज का दोज में, दीज का दोज में, कुछ कंडीशन में कम का गो हो जाता है, कम का गो हो जाता है। आगे देखेंगे टुमारो का दी नेक्स्ट डे हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, और यह देखें दिस का दैट हो जाता है, अमूमन सबको पता होती है। आगे देखेंगे स्टरडे का प्रीवियस डे हो जाता है, अगर नीचे दिख रहा है ये नहीं आ रही है, ओके यहां मैं लिख रहा हूं, मैं कर रहा हूं लास्ट का है तो लास्ट का प्रीवियस, लास्ट का भी क्या हो जाता है, लास्ट का प्रीवियस हो जाता है, अगर एगो दिया है तो एगो का बिफोर हो जाता है। ये कुछ स्पेशल चेंजिंग है, टुडे दैट डे में हो जाएगा, टू नाइट दैट नाइट हो जाएगा, हियर का देयर, नाउ का देन, दिस का दोज, कम का गो, टुमारो का द नेक्स्ट डे, दिस का दैट, स्टरडे का द प्रीवियस डे, और लास्ट वर्ड दिया है उसे लास्ट संडे तो प्रीवियस संडे हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा। और कहीं कहीं ऐसा लोग पूछ लेते हैं आपसे कि अगर नेक्स्ट डे दिया है तो उसको क्या करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे में चेंज करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। जी बिल्कुल, ये अमूमन लगभग पूरे नरेशन में इन शब्दों का परिवर्तन डायरी से इंडेक्स में करेंगे तो ये परिवर्तन होते रहेंगे। क्लियर, ओके आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रूल्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। आज हम अपना दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव खत्म कर रहे हैं, और याद रखिएगा कि सभी सेंटेंसेस में वो फार्मूला है जो टेंस, टेंस का जो फार्मूला, टेंस किस टेंस में कन्वर्ट हो रहा है, वो सभी फार्मूला उसमें लगेंगे। तो अब हम सीखेंगे रूल्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस।
रोल्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, बहुत बारीक से क्लियरली समझेंगे। ऑर्डर, आज्ञा दी जाती है, एडवाइस, सलाह दी जाती है, रिक्वेस्ट, प्रार्थना की जाती है। तो ये होता क्या, जिसे यहां लिखा जाए कि द टीचर सेड सिट डाउन। एक छोटा सा वाक्य कहते हैं, पहले जल्दी कहते हैं, द टीचर सेड, तो ये इसमें ना तो सब्जेक्ट आ रही है, ना तो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो यहां पहचान जाएंगे कि ये तो इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान बताया गया था, अभी भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप पिछला वीडियो देखिए। सिट डाउन, अब सिट डाउन में क्या है कि आज्ञा है, सलाह है, प्रार्थना है। टीचर क्या कर रहे हैं, टीचर आज्ञा दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप जज करिए बताइए। जी हाँ, टीचर कह रहे हैं बैठ जाओ, मतलब आज्ञा दे रहे हैं। तो द टीचर, अब हमारा क्या करेंगे, हम टीचर सेड को ऑर्डर कर देंगे, सेड को ऑर्डर कर देंगे। नंबर टू रूल, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो कॉमास, इंटरेटिव कॉमास क्या, इन दोनों पार्ट को ऐड करने के लिए कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ टू क्या है, एज ए कंजक्शन है, कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे वाक्य को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए। और टू सीट डाउन, समझ आ रही है, क्लियर। हाँ, अगर इस वाक्य में सलाह दी जाती, जैसे डू वर्क डेली, रोज काम करो, एडवाइस दी जा रही है, सेम प्रोसेस में द टीचर अब एडवाइस होएगा, एडवाइस। अब यहां देखें, ये यहां सीई है या मैंने यस लिखा, ये नाउन का काम करता है, ये वर्ब हो जाती है, एडवाइस कर रहे हैं। बाकी प्रोसेस टू डू वर्क डेली, क्लियर हो रहा है। जैसा हम इसका भाव होगा, जैसा सेंस निकलेगा, उसी हिसाब से हम ऑर्डर करेंगे, एडवाइस करेंगे। अगर आज्ञा दी जा रही है तो ऑर्डर्ड, सलाह दी जा रही है तो एडवाइज्ड, और अगर उसमें प्रार्थना का भाव आ रहा है, अगर उसमें लग रहा है कि सेंस जो निकल रहा है, जो अर्थ निकल रहा है वो प्रार्थना का है, जैसे सेंटेंस होते हैं द बेगर सेड टू मी प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, तो पहला वर्क पड़ेगा हमारा, जो पहली ड्यूटी होती है वो होती है हम पहचाने कि जो रिपोर्टेड स्पीच का भाई सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, ओके, ये रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो गया, तो प्लीज, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्लीज ऊपर देखेंगे थोड़ा सा, काइंडली, सर या मैडम, इन चारों में से कोई एक शब्द आता है तो क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। तो जब हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, द बेगर, द बेगर, अब ये क्या करा, प्रार्थना करा ना, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, आप बेगर्ड भी कर सकते हैं, अगर आपको कमांडिंग है तो आप बेगर्ड भी कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड मी। अब यहां इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे कंडीशन क्या लगा रहे हैं, हम लोग टू लगा रहे हैं, प्लीज काइंडली सर या मैडम शब्दों को हम रिमूव कर देते हैं, जब इंडाइट में करते हैं तो उनको रिमूव करेंगे, हटा देंगे, गिव, अब ये मी मुझे, यानी ये मी जो है वो किसके लिए आ रहा है, वो बेगर के लिए आ रहा है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो बोल रहा है वक्ता होता है वह फर्स्ट पर्सन होता है, और यहाँ बोलने का काम कर रहा है बेगर नहीं थर्ड पर्सन है, तो ये भी थर्ड पर्सन में चला जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस है, तो गिव हिम, रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम, और आगे जो लाइन बची है उतार लेंगे हम, समथिंग टू ईट। क्लियर स्टूडेंट, समझ आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर जैसे बाद में भी समझना चाहते हो तो वीडियो को बार बार देख सकते हैं, लेकिन पहले बार में काफी हो जाएगा आपका, कि जब रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज काइंडली सर या मैडम शब्द आएंगे तो हम सेड या सेड टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि जब सेना का कोई ब्रिगेडियर, कोई कैप्टन वहां आज्ञा देता है तो वहां ऑर्डर की बजाय हम कमांडर लगाते हैं, जब टीचर अपने शिष्य को आज्ञा देता है तो वहां कमांडर लगा देते हैं। अच्छा, अगर ये सब एग्जाम्पल और उठाते हैं,
Neha said to her brother, do not touch my book. मेरी किताब मत छू. नेहा ने अपने भाई से कहा don't touch my book. अब ये negative हो गया. अब imperative sentence हमारा negative हो गया. इसके दो rules होते हैं. एक rule ये होता है कि negative हो गया तो कोई बात नहीं, आप बताइए इसमें भाव क्या है, आज्ञा क्या सलाह का है. जाहिर सी बात, वो आज्ञा दे रही है तो said to कम कर देंगे ordered. क्लियर हो रहा है? यहाँ पे थोड़ा स्प्रेड करेंगे, डू नॉट जो होगा ना वो हमारा नॉट टू हो जाएगा. जब इंडेड करेंगे डू नॉट क्या होगा, ये ठीक उल्टा हो जाएगा, नॉट टू हो जाएगा. यहाँ नॉट लगाएंगे, डू को हटा देंगे, नॉट लगाएंगे और ये डू जो है वो हट जाएगा. और नॉट लगाने के बाद हम वहां पे कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे. क्लियर है ना? जब भी डू नॉट से शुरू होगा तो डू को हटा देंगे हम, और नॉट लिखने के बाद कंजक्शन टू लगाएंगे. और बाकी बात जो बदल है, माई मतलब ये कह रही है ना नेहा कि मेरा यानी नेहा का काम, नेहा थर्ड पर्सन में है तो भी थर्ड पर्सन में जाएगा. आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि अगर डू नॉट, अगर रिपोर्टेड स्पीड डू नॉट से शुरू हो रही है, डू नॉट शुरू हो रही है और हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि वो आज्ञा है या एडवाइस है, सलाह दी जा रही है कि या आदेश दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में सेड या सेड टू के स्थान में फॉर बिड लगा देते हैं. फॉर बिड या फॉर बिड क्या लगा देते हैं? फॉर बिड. क्या लगा देते हैं? फॉर बिड. और जब फॉर बिड लगाएंगे तो ये पूरा रिमूव कर देंगे, डू नॉट पूरा रिमूव कर देंगे. अब हो जाएगा नेहा फॉर बिड हर ब्रदर, केवल पुट अप करेंगे यहाँ पे टू टच हर बुक. डू नॉट से वाक शुरू हो तो हम सेड या सेड टू के स्थान पे फॉरवर्ड लगा देंगे और पूरा डू नॉट को ही क्या करेंगे, हटा देंगे. लेकिन एक चीज और सुन लीजिए, अगर ऐसे वाक्य नेवर से शुरू हो, जैसे ये आ जाए यहाँ पे कि जी बिल्कुल बिल्कुल समय का ख्याल मैं रख रहा हूं, और ये देखेंगे कि नेहा फॉरवर्ड हर ब्रदर, अगर ये इंपरेटिव सेंटेंस हमारी नेवर से शुरू हो रही हो, किससे शुरू हो रही है? नेवर से. नेवर से जब भी शुरू होगा तो हम फॉरवर्ड नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगाएंगे. और नेवर से जब वाक शुरू होगा तो प्राय एडवाइस होता है, तो यहां हो जाएगा नेहा एडवाइज्ड हर ब्रदर, ठीक है, नेवर. और नेवर के बाद लगाएंगे टू टच हर बुक. समझ आ रही है? आप होप कि आपको समझ लेंगे. इसका दो रूल्स और हैं, वो देख लेते हैं फटाफट. जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये होता है कि हरी सेड लेट मी गो. अगर लेट से शुरू हो रहा है तो बिल्कुल सेम वे हो जाएगा. हरी क्या लग रहा है? ऑर्डर भी दे रहा है, लेट मी ले जाने दो या रिक्वेस्ट कर सकता है, तो हम सेंस के हिसाब से हरी रिक्वेस्टेड, ठीक है, टू लगा देंगे यहाँ पे. लेट को स्मॉल टर्म कर देंगे, ये थोड़ा सा जल्दी जा रहा है. लेट और मी यानी कि हरी लिया है, लेट हिम गो. और अगर यही सेंटेंस हो, लेट न दिया हो लेकिन लेट अस दिया हो, ये सेंटेंस अगर है होता है कि एक लेट से शुरू होता है, एक होता है Let us go to cinema. अब ये let us आ गया, ये समूह की बात करिए, समूह तो आओ, let us go. समूह की बात करिए, जैसे ही reported इसमें let us मिलेगा तो हम said या said to को suggested या proposed, said suggested या proposed में बदल देंगे. जैसे हरी said तो हरी suggested हो जाएगा. और जब लेटर से वाक शुरू होगा, जब लेटर से वाक, ये देखिए डबल स्टार बनाइए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा परीक्षा में आता है. लेट से लेटस है ना, या लेट्स से वाक शुरू होगा तो सेड या सेड टू को हम सजेस्टेड या प्रपोज में बदल देंगे. और इस कंडीशन में रूल बदल जाते हैं थोड़ा सा. अब यहाँ कंजक्शन हमारा ना टू नहीं आएगा, अब यहाँ कंजक्शन दैट आएगा. और अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन इंक्लूड हो, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर फर्स्ट पर्सन इंक्लूड हो, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आ रहा जी, इसकी क्लियर है ना. अगर यहाँ क्या, अगर फर्स्ट पर्सन आई आ जाए या वी आ जाए, मी आ जाए या अस आ जाए, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव कैसे ऑब्जेक्टिव में से कोई भी अगर इसमें शामिल होगा तो ये जो लेटस होगा ये हमेशा वी सूट हो जाएगा. क्या होगा? वी सूट हो जाएगा. अब सवाल ये, अगर सर ये ना आए तो, अगर ये नहीं आ रहे हैं तो लेटस हमारा हमेशा दे सूट हो जाएगा. क्लियर? मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आई वी मी अस
सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस कहीं भी शामिल हो, सब्जेक्ट रूप में ऑब्जेक्ट में शामिल होता है तो लेटर्स को हम क्या करेंगे, वी शुड में, और अगर ये नहीं शामिल हो रहे हैं तो लेटर्स को हम करेंगे दे शुड में, और बाकी जो वर्ड बचे हैं गो टू सिनेमा उधर। क्लियर? तो ये है रूल्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस और आगे के एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सबक है, अलविदा।